और साथ साथ में कृष्ण डरे हुए भी थे कि माँ कभी भी आ सकती है, तो माखन उठा उठा के बंदरों को भी दे रहे हैं, आगे पीछे देख भी रहे हैं। बड़ा जैसे कहते हैं ना एक्साइटिंग सीन है, और बंदर भी बड़े उत्तेजित हैं एकदम। कृष्ण ने सोचा रामलीला में आपने सब मेरी सहायता की थी, मैं कुछ कर नहीं पाया आपको, अब मैं आपको माखन ही खिला सकता हूँ। तो माखन बांट रहे हैं, यूँ जितनी मेहनत से बनाया माखन सब बांट रहे हैं, और बंदर भी फटाफट खा रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं। बंदर तो वैसे ही बहुत चंचल होते हैं। अचानक कृष्ण ने बंदरों की आंखों में देखा डर, समझिए कोई आ गया और बंदरों ने देखा यशोदा में के हाथ में छड़ी है, बंदर तो भाग गए इधर उधर, और कृष्ण अकेले। और कृष्ण ने देखा यशोदा मैया छड़ी लेकर आ रही है, तो यशोदा मैया भी देखकर पहले बहुत खुश हुई, क्या है बालक, क्या कितना इंटेलिजेंट है, कहाँ से बूखल खींच के लाया, कैसे सब कर रहा है। और कृष्ण ने जब देखा कि यशोदा मैया दबे पाँव आ रही है, तो कृष्ण से पूरा जंप मारा, और ऐसी जंप मारी कृष्ण स्टेबल नहीं हुए, नीचे गिरते गिरते बचे, लेकिन फिर भागे, और यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है। अब कृष्ण छोटे छोटे कदमों से तेजी से भाग रहे हैं, यशोदा मैया छड़ी लेके भाग रही हैं। तो कृष्ण ने सोचा अब एक ही तरीका है, इस प्राइवेट अफेयर को पब्लिक अफेयर बना दिया जाए, बाहर बात पहुंचेगी, बच्चा बाहर भाग रहा है कोई इतनी अजीब सी बात नहीं है, एक माँ छड़ी लेके पीछे भाग रही है बहुत बेइज्जती की बात है, तो यशोदा मैया घर से बाहर जाने में शर्माएगी ना, मैं तो बाहर निकलता हूँ। और बताते हैं उस दिन आचार्य, उस दिन ऐसा दिन था कि घर में कोई नहीं था, सुबह सुबह नंद महाराज, रोहिणी माता, बलराम जी बाहर चले गए थे। नंद महाराज के भाई उपानंद के यहाँ कोई फेस्टिवल था, तो वहाँ इन्वाइट किया था, तो रोहिणी और बलराम को लेकर नंद महाराज वहाँ चले गए थे। तो सुबह सुबह का दिन था, क्योंकि सारा फेस्टिवल सीजन था ये। तो कृष्ण ने देखा, इतने बुद्धिमान थे कृष्ण कि घर से बाहर निकलता हूँ, है ना, यशोदा मैया कहाँ तक चेज करेंगी मुझे। तो कृष्ण बाहर आंगन की तरफ चले, यशोदा मैया देख रही है तो बाहर सड़क की तरफ जा रहा है एकदम घर से बाहर, यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही हैं। अब यशोदा मैया का जो शरीर था थोड़ा भारी था, वो कृष्ण छोटे से बालक, यशोदा मैया को बड़ी परेशानी हो रही थी उसको पकड़ने में, लेकिन बोले आज तो पकड़ के रहूँगी। और छड़ी, और कृष्ण ने पहली बार ही यशोदा को इस रूप में देखा था। अभी तक जब भी कृष्ण आते थे बछड़े चरा के, यशोदा मैया बड़े प्रेम से उनको नहलाती थी, स्नेह करती थी, चुम्बन करती थी ना, पहली बार ही छड़ी देखी तो कृष्ण बड़े डर गए, ऐसा रूप मैंने कभी देखा नहीं माँ का अपना। और भाग रहे हैं और यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रहे हैं, बोली छोड़ूंगी नहीं आज तेरे को, ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण, और डर रहे हैं और पीछे मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया पूरी दृढ़ थी कि मैंने कृष्ण को छोड़ना नहीं है, कृष्ण को पकड़ना है। देखिए बड़े बड़े योगी जन कृष्ण को नहीं पकड़ पाते हैं, और बड़े बड़े योगी जन कृष्ण से डरते हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण एक स्त्री से डर रहे हैं, एक माँ से अपने डर रहे हैं, और छड़ी देखकर डर रहे हैं। और जब कृष्ण ऐसे भाग रहे थे और कृष्ण जब पीछे मुड़ के देखा, थोड़ी उनकी स्पीड कम हो गई, तो पीछे मुड़ के देखा तो यशोदा मैया ने तुरंत ऐसा पकड़ लिया। अब कृष्ण पकड़ में आ गए, कृष्ण की दाहिनी भुजा कृष्ण यशोदा के हाथ में आ गए। अब कृष्ण की बुरी हालत, और अब कृष्ण क्या किए, रोने लगे और जोर जोर से रोने लगे। ये थोड़ी नकली रोना भी था ना, जब पकड़े जाते हैं तो ज़्यादा जोर से रोते ताकि दूसरे में दया आ जाए, बहुत ज़ोर से रोने लगे। और अभी तक कृष्ण जब भी रोते थे, यशोदा अपनी साड़ी से उनके आंसू पूछती थी, है ना, लेकिन आज यशोदा कोई चीज़ पूछ रही, कृष्ण बोल रहे क्या हो गया उसको, मैं इतना रो रहा हूँ, हाथ में छड़ी भी है और मैं रो रहा हूँ, और यशोदा मैया कुछ नहीं कर रही। यशोदा मैया भी सोच रहे थे आज नहीं छोड़ूंगी इसको, आज मैंने इसको पूरा अनुशासित करना है, लेकिन साथ में प्रेम भी बहुत था। अब जब यशोदा मैया दौड़ रही थी ना कृष्ण का पीछा करते हुए, यशोदा के सर पे फूल लगे थे, फूलों के दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप बन गया अभी ये क्या कर रहे हैं भैया, देखो ये कृष्ण की गलती है, कृष्ण को सुबह सुबह यशोदा मैया को इतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और कृष्ण यशोदा मैया स्लो हो रही है भागने में, तो हमें क्या करना चाहिए, यशोदा का वजन थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि यशोदा की स्पीड बढ़ जाए। तो कुछ फूल तो इसलिए नीचे गिर गए कि यशोदा मैया हल्की हो जाएंगी, स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरे फूल ने सोचा, वो कृष्ण के ग्रुप में थे, बोले यशोदा मैया कृष्ण को पीछे भाग रही हैं, कृष्ण को सजा देंगी, ऐसे व्यक्ति के सर पर हमें रहना चाहिए क्या, धिक्कार है हमें, हम छोड़ते हैं इनको, त्यागते हैं। वो भी नीचे गिर गए। तो फूल भी वहाँ पे जीवात्मा हैं, कॉन्शियस हैं, उनका अपना मत था,
कोई कहते हैं यशोदा ठीक कर रही है, कोई यशोदा गलत कर रही है, कृष्ण के साइड थे, तो सारे फूल नीचे बिखर गए। और यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया और यशोदा ने सोचा कृष्ण की आंखों में इतना भय था, आंतक था। एक होता है भय और एक होता है आंतक, है ना। जब आंतकवादी होते हैं वो भय नहीं फैलाते, आंतक फैलाते हैं। आंतक इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ भय, ना इतना भय। और अभी तक कभी कृष्ण ने अपने आंसू को खुद नहीं पूछा था, यशोदा मैया प्रेम से पूछती थी। अब कृष्ण को खुद अपने आंसू पूछने पड़ रहे, ना रुदंता मोहर नेत्रम युग्मं मृजन्तम् करां भोज युग्मेन सातंक नेत्रम् मोहश्वास कं पात्रिरेखाद कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्ति पद्म रुदंता मुहु नेत्रम युग्मं मृजन्त। अपने दोनों हाथों से बार बार पूछ रहे हैं और पूरा का पूरा चेहरा उनका काला हो गया, जो काजल था वो बह गया सारा, खुद रो रहे हैं। यशोदा मैया ने सोचा ये बहुत ज़्यादा डर गया, तो यशोदा मैया का हृदय पिघल गया, उन्होंने छड़ी फेंक दी, तो कृष्ण को थोड़ी राहत मिली। लेकिन यशोदा मैया उन्होंने क्यों मटकी फोड़ी, तो कृष्ण अभी भी आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, बोले मैंने नहीं फोड़े, नहीं फोड़े मैंने। बोले कैसे, बोले जब आप जल्दी से भाग रहे थे आपके पाम से मटकी को धक्का लगा तब टूटी है मटकी। यशोदा मैया को और क्रोध आया, अच्छा चोरी और सीना चोरी, मुझे झूठ बोल रहा है। तो देखिए परम सत्य भगवान परम सत्य हैं, माँ के सामने झूठ बोल रहे हैं। यशोदा मैया अच्छा अब नहीं छोड़ूंगे। यशोदा मैया सोचा छड़ी से तो नहीं मारूंगी, छड़ी से मारना भी नहीं था, केवल डराने के लिए था। लेकिन ये बालक बहुत उद्दंड है, आज पूरा फेस्टिवल का दिन है, मैंने बहुत सेवाएं करनी हैं, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया कहीं बाहर भाग गया इधर उधर, तो इसको मैं रस्सी से बांध देती हूँ, रस्सी से बंधा रहेगा और मैं अपनी सेवाएं आराम से करती रहूँगी, और कोई घर में है नहीं तो क्या करना चाहिए, रस्सी से बांधती हूँ। तो यशोदा मैया ने क्या किया, अपने उनके बालों में एक जैसे बांधने के लिए एक रस्सी थी उसको खोला। कृष्ण मुश्किल से उनकी कमर कितनी होगी, 2.5 साल के बालक की, 12 इंच भी नहीं होगी, है ना, 10-12 इंच मैक्सिमम, तो बहुत बड़ी रस्सी थी। बोले बांध देते हैं, तो उसी उखल से, बोले यही उखल था जिसने तुम्हें शरारत में सहयोग दिया, इस उखल को भी दंड मिलेगा, तुम्हें भी दंड मिलेगा। और उस रस्सी से बांधने का प्रयास किया, तो क्या हुआ, कितने उंगल छोटी पड़ गई, 2 उंगल छोटी पड़ गई। छोटा मैंने कहा क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। तब तक आसपास की कुछ दासियाँ आ गई थी, बोले और रस्सी लेके आओ, और रस्सी लेकर आए, काफ़ी लंबी फिर की दस्सी हो गई, फिर से बांधी, फिर से बांधने का प्रयास किया, फिर से कितना हुआ, अंकल 1-2 दासियाँ और आ गई। जितनी गौशाला में रस्सियाँ थी सब के सब एक एक करके आते गए, तो धीरे धीरे ये रस्सी उत्सव हो गया, है ना। गौशाला में 9 लाख गाय हैं, कितनी रस्सियों का ढेर इकट्ठा हो गया, और आसपास सारी दासियाँ इकट्ठी हो गई, ये तो पूरा भीड़ इकट्ठी हो गई। और बीच में कृष्ण उखल के साथ यशोदा मैया बांधने का प्रयास कर रही हैं, और इतनी लंबी रस्सियाँ हो जाती थी, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, लंबा 100-100 फीट की रस्सियाँ हो गई, और कृष्ण की कमर मुश्किल से 1 फीट की भी नहीं है। बांधते थे सारा मैथमेटिक्स गोल, लेंथ 100 फीट है, बांधना 10 इंच है, बांध रहे हैं फिर 2 उंगल छोटी पड़ रही है, कमाल हो गई, ना कृष्ण की कमर बढ़ रही है ना रस्सी छोटी हो रही है, रस्सी बड़ी हो रही है, कृष्ण की कमर उतनी की उतनी है, 2 उंगल छोटी हो रही है। तो सब देखकर बड़ी हैरान, सभी दासियां बोल रही हैं कृष्ण नहीं बंधेंगे छोड़ दो। लेकिन इतनी मुश्किलें होने के बाद भी यशोदा मैया फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही थी। यशोदा मैया क्या सिखा रही हैं, सेवा में इतनी परेशानी आ रही थी लेकिन फिर भी बड़ी स्माइल कर रही थी, पसीने पसीने हो गए, सारे लोग मना कर रहे हैं मत करो, ये बंधने वाला नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। यशोदा मैया आज इसको बांध के रखना है, इसको मैंने अनुशासित करना है, तो क्या हुआ, हर बारी 2 उंगल छोटी हो रही है। जब इतना कुछ हो गया, ऐसा क्यों हो रहा था, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान की ऐश्वर्य में शक्ति कहती है मुझे बांध के दिखाओ। भगवान तब मनते हैं जब भगवान चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि यशोदा मैया कृष्ण से प्रेम करती है तो जब कुछ यशोदा चाहेंगे कृष्ण बन जाएंगे, नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान बंधेंगे, तो भगवान की इच्छा नहीं हो रही। अब क्या हुआ, जब यशोदा मैया को इतना परिश्रम करते हुए देखा कि यशोदा मैया पसीने से लथपथ हो गई, सारे उनके बाल बिखर गए, कपड़े इधर उधर हो गए, लेकिन फिर भी यशोदा मैया स्माइल कर रही हैं,
मुस्कुरा रही हैं कि मैं सेवा जरूर करूंगी, तो भगवान उनके उत्साह से, उनके परिश्रम से बड़े प्रभावित हुए। तो सेवा में कठिनाइयां भी आएँ तो हमें कुंठित नहीं होना चाहिए, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, हमें उत्साह से लगे रहना चाहिए। तो यशोदा मैया लगी रही। तो भगवान की शक्तियाँ थी, एक शक्ति थी ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कह रही थी मैं नहीं बनने दूंगी कृष्ण को। और सभी शक्तियों की एक रानी है, वो है कृपा शक्ति। शी इज़ द क्वीन ऑफ ऑल एनर्जीज। उसने बोला है क्या हालत कर रहे हो, देखो बेचारी की हालत देखो, यशोदा मैया क्या हालत हो गई है, कृष्ण बन जाओ, है ना। तो कृपा शक्ति सुप्रीम है। ऐश्वर्य शक्ति कह रही थी नहीं बनने देंगे, ऐसे थैसे कृष्ण कृष्ण कैसे बनने देंगे, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ऐसे कैसे बन जाएंगे। ऐश्वर्य शक्ति बनने नहीं दे रही थी। यशोदा मैया भक्त के प्रयासों को देखकर कृष्ण की कृपा शक्ति, जो कि सुप्रीम शक्ति है, क्वीन ऑफ ऑल एनर्जीज, शी बोल नहीं कृष्ण बन जाओ। तो जब देखा कि यशोदा मैया इतना परिश्रम कर रही है, तो फिर कृष्ण ने बोला ठीक है मैं बन जाता हूँ। और फिर अचानक बन गए। सबने बोला का कमाल हो गया, बस यशोदा मैया ठीक है अब आप बंधे रहो, अब मैं जाके आराम से कुकिंग करूँगी। तब तक क्या हो गया था, संध्या काल हो गया था। बेचारी कब से लगी थी, सुबह 3 बजे से, और संध्या काल हो गया। प्रभुपाद जी बताते हैं हम हो सकता है कोई सेवा शुरू करें, जो सेवा हमने प्लान की हो उसके अलावा कोई दूसरी सेवाएँ आ जाती हैं कई बार, हमारी प्लानिंग गड़बड़ हो गई। होता कभी आपके साथ ऐसा कि आपने सेवाएँ कुछ प्लान की और कुछ और सेवाएँ आ गई, कैसा लगता है उस समय, कैसा लगता है, गुस्सा आता है ना, क्या भाई जो प्लानिंग किया करने नहीं दे रहे। हर बार ऐसा होता है, एडहॉक होता है सब कुछ। यशोदा मैया उसमें गुस्सा नहीं हुई, जो एडहॉक हुआ उसको स्वीकार किया। तो कैसे डिसाइड करें कौन सी सेवा कब करनी चाहिए, सारी सेवा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट लगती हैं, कैसे डिसाइड करेंगे। अथॉरिटी से पूछ लिया, यस प्रॉप है, प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्या प्रायोरिटी देनी है तो हम पूछ लें। और अकेले हैं, कोई अथॉरिटी भी नहीं है उस समय, पूछ भी नहीं सकते। तो कई बार ऐसा भी होता है कोई पूछने के लिए भी नहीं है, आपको अकेले डिसीजन लेना है। सेल्फ डिसीजन, यस सेल्फ डिसीजन में अगर आप अच्छे ढंग से सिंसियरली हम प्रार्थना करें भगवान से तो हम बुद्धि देते हैं, बाद में उस डिसीजन को हम अथॉरिटी से कन्फर्म कर सकते हैं कि हमने ठीक लिया कि नहीं लिया। Okay. तो ऐसा हो जाता है क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत डायनेमिक है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। हमें प्लानिंग जरूर करना चाहिए लेकिन प्लानिंग से आसक्त नहीं होना चाहिए कि मेरे हिसाब से काम हो। प्लानिंग जरूर, बिना प्लानिंग के सेवाएं नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है हमारी प्लानिंग हमेशा ना चले। तो यशोदा मैया की प्लानिंग चली नहीं, कृष्ण की प्लानिंग चली। तो टू कट इट शॉर्ट, बहुत लंबी है कथा, क्या होता है फिर बाद में बलराम जी वापस आते हैं नंद महाराज के साथ, तो देखते हैं अरे ये हालत कृष्ण की। वो यशोदा के पास जाते हैं, किसने हालत की ये कहना थी, मैं संकर्षण हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड को जला दूंगा। यशोदा मैया बोले जानते नहीं कृष्ण कौन है, कृष्ण परम भगवान है और मैं संकर्षण हूँ। यशोदा मैया बोला सारे अवतारों ने मेरे घर में ठेका ले रखा है, भाग यहाँ से। ऐसा डांटा बलराम जी भाग गए। तो बलराम जी को कृष्ण ने बोला क्या हुआ, मानी नहीं, तो सारे अब ग्वालपाल में इकट्ठे हो गए, है ना, बड़ा फेस्टिवल हो गया वहाँ पे, कृष्ण बंधे हुए हैं, सारे ग्वालपाल इकट्ठे हो गए, कोई कृष्ण के लिए क्या लेके जा रहा है, कोई क्या खिला रहा है, कोई क्या खिला रहा है, बातचीत हो रही है ना। तो वहाँ पे यशोदा अंदर कुकिंग कर रही हैं, तो अचानक कृष्ण की नज़र पड़ी सामने दो वृक्ष थे, ये दो वृक्ष थे यमन अर्जुन वृक्ष, और इनकी कथा क्या थी, ये मन नल कुबेर और मणिग्रीव, ये कुबेर के दो पुत्र थे। कुबेर के दो पुत्र थे क्योंकि अमीर पिताजी की औलाद थे तो बड़े नशे में थे, स्पॉइल्ड ब्रैट्स, स्पॉइल्ड ब्रैट्स बोलते हैं ना कि बस हमारे पिताजी तो बहुत धनी हैं, बहुत पॉलिटिकल पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो गंगा जी में मंदाकिनी नदी में नग्न स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे, दारू पी रहे थे साथ में, और बीच में सामने से नारद मुनि जी आ गए। तो व्यक्ति जब अपने ऐश्वर्यों के मद में होता है, अहंकार में होता है, तो अहंकार वश वो साधु संतों का आदर नहीं करता, है ना। और गंगा जैसी पवित्र नदी में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं,
आज भी जैसे हम IIT रुड़की में प्रचार करने जाते हैं, नाम पर भी वहाँ प्रचार करते थे, तो हम क्या देखते थे कई बार वहाँ पे गंगा जी की एक नहर आती है, वहाँ पे लड़के जितने स्टूडेंट्स IIT के सब बियर की बॉटल लेके गंगा जी में डाल के ठंडी कर रहे होते थे उसकी। हम कहते थे ये नल कुबेर और मणिग्रीव के अवतार हैं सब। तो हम पवित्र स्थान में जाके भी उसको अपनी चेतना से अपवित्र कर सकते हैं, है ना, और अपवित्र स्थान को अपनी चेतना से पवित्र कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस स्थान पे हम हरि नाम लेंगे, हरि कथा करेंगे, वो वृंदावन बन जाएगा, वो धाम बन जाएगा। लेकिन हो सकता है धाम में जाके, गंगा में जाके, वृंदावन में जाके हम उल्टे सीधे काम करके उसको दूषित कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, दूषित स्थान को पवित्र बनाना चाहिए, ना कि पवित्र स्थान को दूषित बनाना चाहिए। हम अगर वृंदावन जाएं तो हमें धाम को गंदा नहीं करना चाहिए, इधर उधर प्लास्टिक नहीं फैलाना चाहिए, अपनी चेतना शुद्ध रखनी चाहिए। लेकिन नल कुंवर मणिग्रीव इतने बदतमीज थे, क्योंकि बड़े अमीर पिताजी के औलाद थे, इतने घमंडी थे, नंगे एकदम, और इतने नशे में थे, इतना धन का और उनको अहंकार था, इतना अहंकार का नशा था। जब नारद मुनि जी वहाँ पे आए, जो स्त्रियाँ थीं उन्होंने तो अपने आप को ढक लिया, ये नंगे के नंगे खड़े रहे और मजाक उड़ाने लगे। नारद मुनि ने बोला, नारद मुनि जी को इन्होंने मेरा अपमान किया है। नारद मुनि सोचा इतने मद में अंधे हो गए हैं, इनको थोड़ा सेट करना चाहिए, इनकी करुणा है। वैष्णव हमेशा ही कंपैशनेट होते हैं, तो आउट ऑफ कंपैशन उन्हें बोला, तुम नंगे खड़े हो और तुम्हें कोई लज्जा नहीं है, तुम वृक्ष बन जाओ बस। लेकिन ये नारद मुनि का कंपैशन था, कहाँ जाके वृक्ष बनो, नंद महाराज के आंगन में, और कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। तो नारद मुनि ने वचन बोल दिया था, कृष्ण को याद था मेरे परम भक्त ने इनको ये श्राप दिया हुआ है, श्राप क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो देवताओं के 100 वर्ष तक, देवताओं का एक वर्ष मानो क्या होता है, हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, तो देवताओं का 100 वर्ष हो गया हमारी पृथ्वी के 36,000 साल, तब से वो वृक्ष बन के खड़े रहे और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं देख रहे थे। लेकिन जब भगवान ने सोचा मौका आ गया है इनका उद्धार करने का, तो भगवान जिस उखल में बंधे हुए थे उस उखल को घिसका कर ले गए, छोड़े ऐसे चलते चलते, और उस उखल को इन दोनों पेड़ों के बीच में एडजस्ट किया। उखल लकड़ी का था, बहुत हल्का सा, रस्सी बड़ी पतली सी थी, ठीक है ना, कृष्ण बड़े छोटे से थे, और ये वृक्ष 36,000 साल से खड़े थे, लंबे, पूरे लंबे वृक्ष, कोई चांस है गिरने का। और सारे बालक जो खड़े थे बोले क्या क्या कर रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, बहुत चंचल तो है ही है। तो चलते चलते वहाँ गए, पूरा सेटिंग किया, थोड़ा सा पुश किया, एक और पुश किया, बहुत जोर का धमाका हुआ, धार सर के दो वृक्ष गिरे। हैरान हो गए सब, क्या हो गया, संभव ही नहीं था, छोटा सा बच्चा, लकड़ी का उखल, उखल जानते हैं जिसमें मसाले कूटते हैं, लकड़ी का था और रस्सी भी पतली सी थी। अगर हम ऐसा कुछ प्रयास करेंगे या तो रस्सी टूट जाएगी या उखल टूट जाएगा, ऐसा ही होगा ना। लेकिन क्या किया, रस्सी भी एक जीव है, उखल भी एक जीव है। कृष्ण जब अपना कोई कार्य कराना चाहते हैं तो किसी भी जीव को शक्ति दे सकते हैं, एम्पावरमेंट। तो अगर हम कृष्ण की योजना के साथ अपने आप को डाल देते हैं तो पूरी की पूरी एम्पावरमेंट आती है। तो उस उखल और रस्सी में इतनी शक्ति आ गई, इतने दो बड़े बड़े वृक्षों को नीचे गिरा दिया। जब इतना धमाका हुआ, उसमें से दो दिव्य व्यक्ति निकले, नल कुबेर और मणिग्रीव, और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं गाने लगे, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं गए, उसकी परिक्रमा की, वो वापस चले गए। ग्वाल बाल सब देखते रह गए, यार क्या बात है, क्या हुआ, क्या है। वहाँ से भाग के नंद महाराज और सारे ब्रजवासी आए, तो सारे ग्वाल बाल बताने लगे, ऐसा ऐसा हुआ, कृष्ण ऐसे ऐसे गए थे, उखल को बीच में फंसाया, थोड़ा सा पुश किया, ये नीचे गिर गए, बीच में से दो ऐसे दिव्य व्यक्ति निकले, वो कृष्ण की प्रार्थना कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, परिक्रमा करके चले गए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, फैन क्या बोलते रहते हैं। नंद महाराज को विश्वास ही नहीं हो रहा, बोले क्या उनको विश्वास ही नहीं हुआ एक बच्चे क्या बोल रहे हैं। बोले बाबा हमने देखा ऐसा ही हुआ। अच्छा चुप रहो, चुप रहो, क्या हो, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, लगता कोई राक्षस आया था ना, चलो कृष्ण की रक्षा हो गई, अब तो उसको खोलना पड़ेगा, कोई राक्षस राक्षस आ गया,
तो कृष्ण को खोला, कृष्ण को बड़ा आलिंगन किया, चुंबन किया, तो बहुत बड़े संकट से बच गया। ये वृक्ष इसके ऊपर गिर जाते तो अब यशोदा माई को बड़ा दुख होने लगा, मैंने इसको बांधा था, मेरे कारण ये मुसीबत में आ गया। उसके बाद आप कृष्ण थोड़ी नाराज़गी दिखा रहे हैं यशोदा मैया से। कृष्ण केवल नंद महाराज के पास हैं और यशोदा मैया को बहुत अंदर से गिल्ट हो रहा है कि मैंने कृष्ण को इतना कुछ कर दिया और कृष्ण भी उनसे बातचीत नहीं कर रहे। तो उसके बाद यशोदा नंद महाराज कृष्ण को समझाते हैं कि आप यशोदा मैया का ध्यान रखो, यशोदा से प्रेम करो। कि कृष्ण भाग के जाते हैं, यशोदा का आलिंगन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर लीला है दामोदर लीला, और हमें बहुत सी शिक्षाएँ मिलती हैं। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं यशोदा मैया जी से, जिस प्रकार से उनमें कृष्ण के प्रेम था और प्रेम कैसे दिखाया उन्होंने। हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर हमें कृष्ण को बांधना है, कृष्ण से प्रेम करना है, तो दो चीज़ों की आवश्यकता है, स्वनिष्ठा और भक्त निष्ठा। कृष्ण की अपनी निष्ठा है। कृष्ण की निष्ठा क्या है? कृष्ण हमेशा कृपा करते हैं, भगवान की कृपा। और भक्त निष्ठा, भक्त निष्ठा कैसे दिखाता है? अपने प्रयासों से, इतना प्रयास कि वो थक जाए, पसीने निकल जाए, ऐसी हमने सेवा करनी चाहिए। बाहर की दुनिया बोलते हैं ना, कमर तोड़ मेहनत, तो भक्ति में खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम वास्तव में कृष्ण को चाहते हैं और कृष्ण प्रेम चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इन दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर इज नो प्लेस फॉर लेजी एंड क्रेजी। आलसी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्रेजी पागल लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन संसार में अभी अधिकांश हम लोग कौन हैं? डोंट माइंड वी आर लेजी एंड, मानते कि नहीं मानते? लेकिन अगर हम मान लेते हैं हम लेजी एंड क्रेजी हैं, देन वी आर नॉट क्रेजी, फिर हमारा इलाज हो सकता है ना। तो हमने क्या करना है? अपने आलस को त्यागना है, अपनी क्रेजीनेस। क्रेजीनेस क्या है? हम सोचते हैं हम अपनी बाजू बल बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन यशोदा मैया प्रयास करती रही, लेकिन भगवान की कृपा से ही भगवान बंधे। तो इस प्रकार से ये हमें यशोदा मैया सिखाती हैं कि भक्ति में हमें खूब प्रयास करना चाहिए, खूब उत्साह से प्रयास करें, और जितना हम उत्साह से प्रयास करेंगे उतने हम भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे, तब फिर भगवान हमसे बंधेंगे, अपना प्रेम हमें देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। यशोदा दामोदर भगवान की जय। जैसे कोई प्रश्न है? यस प्रभु। वो आठ गायों का स्वभाव था कि वो सुगंधित घास खाती थी, सुगंधित दूध देती थी। स्पेशल गाय चुनी थी, हेल्दी गाय, जो सबसे ज़्यादा अच्छी गाय थी। नहीं, कृष्ण के लिए स्पेशल, समथिंग स्पेशल फॉर कृष्ण। और कुछ? यस पीछे लीजिए। प्रभुपा जब विदेश में गए थे, प्रभुपा ने एक लेक्चर दिया था, हू इज क्रेजी, और प्रभुपा ने बोला इस संसार में हर व्यक्ति क्रेजी है। क्यों? हर व्यक्ति सोचता है अहंकार विमूढ आत्मा करता हम इति मान्यते। भगवान गीता में कहते हैं ना, अहंकार वश ड्यू टू फॉल्स ईगो वी थिंक आई एम द डूअर, ये क्रेजीनेस। सो भक्ति में हम सोचते हैं आई एम द डूअर, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिलना ही चाहिए, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मुझे टेस्ट आना ही चाहिए। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णास मर्सी, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। सो वी कैन डू आवर एफर्ट्स, बट जस्ट बाय आवर एफर्ट्स वी आर नॉट एश्योर्ड ऑफ सक्सेस। सक्सेस अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन कृष्णास सैंक्शन। ठीक है ना, जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी, कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो इस बात को नहीं मानता वो क्रेजी है। या तो वो अपने अहंकार में करता रहेगा, सारा क्रेडिट खोल देगा, या फिर सक्सेस नहीं मिलेगी वो छोड़ देगा। तो यशोदा मैया ने छोड़ा नहीं, वो प्रयास करती रही। तो उसके प्रयास से, उत्साह से भगवान की जो कृपा शक्ति थी वो जागृत हुई, भगवान को दया आ गई, चलो अब बन जाती। राइट, ओके। और कोई? किसके पास माइक है? हाँ।
इस लीला में आंसू नहीं पहुंचे, इस लीला तो भगवान ने खुद ही आंसू पहुंचे। हाँ बाकी बहुत सी लीला थी, जैसे जोर से बिजली कड़कती थी तो भगवान डर के यशोदा मैया के गले लग जाते थे, जैसे छोटा बच्चा होता है रोने लगते थे, भूख लगती थी तो रोने लगते थे इस ढंग से। लेकिन छोटे बच्चे की तरह नर लीला करें ना, ऐसे साधारण बच्चा होता है, साधारण बच्चा तो कितनी बार ही रोता है दिन में ऐसे रोते थे। नल कुबेर जी ने परिक्रमा करने के बाद स्वर्ग लोक में गए और उसके बाद फिर भगवान के धाम गए। और कोई? यस, हाथ हाथ खड़ा कीजिए पहले। हाँ बता दीजिए कितनी ऑप्टिमम मेहनत करनी है ना, ना कम ना ज्यादा, नींद भी पूरी हो जाए अच्छा टाइम से खाना पीना हो जाए, कृपा भी मिल जाए ना, बैलेंस गुड। देखिए कलयुग में हम कुछ भी नहीं ज़्यादा नहीं कर सकते है ना, हमारे क्या बुरा ना माने, हमारी औकात क्या है, कुछ नहीं है। अगर हम 16 माला कर भी लेंगे तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए मेरी 16 माला में इतनी शक्ति है कि मेरे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास कुछ भी नहीं, कलयुग में जी फुल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। ओके, हमारे ओनली जो होप है वो गौर निताई की कृपा है, बट इस कृपा को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, इस कृपा को आकर्षित करने के लिए वी हैव टू गिव अवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स। ओके, सत्यों के समय उनकी आयु लंबी होती थी, बड़े तपस्वी होते थे, वो 10,000 साल तक तपस्या करते थे, पानी के अंदर जाके करते थे, हम सब वो नहीं कर सकते, हमारी आयु 100 वर्ष भी नहीं है और हम सारा शरीर बीमारियों से भरा पड़ा है, तो क्या करेंगे। लेकिन डू अवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, नो लेजीनेस। ओके, प्रभुपाद जी ने करके दिखाया 70 साल की उम्र में कितनी मेहनत की, तब जाके कृपा मिली ना उनको। वी हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड, देयर इज नो थ्रेशोल्ड। कहते हैं यू गो टू योर लिमिट्स एंड कृष्णा विल टेक यू बियॉन्ड योर लिमिट्स, तो अपनी लिमिट्स तक जाओ एंड कृष्णा विल टेक अस बियॉन्ड, बाय जस्ट गोइंग टू आवर लिमिट्स आल्सो इज नॉट सफिशिएंट, कृष्णा विल टेक अस बियॉन्ड आवर लिमिट्स देन विल गो। ठीक, राइट, और कुछ? यहाँ यहाँ दे दीजिए फिर माइक पीछे चला जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, तो कृष्ण को भगवान मान के सेवा करनी चाहिए, अपना दोस्त मान के करनी चाहिए, है ना, कैसे करना चाहिए? तो अभी इस कंडीशन में हमें भगवान मान के करनी चाहिए, अभी ऐसे दोस्त मान लेंगे, अपना बेटा मान लेंगे, ये मान लेंगे, तो उसको बोलते हैं सहिज्या। सहिज्या मीन्स टेकिंग कृष्णा वेरी चीपली। ओके, क्योंकि अभी मेरा जो हृदय है शुद्ध नहीं हुआ, यशोदा मैया का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध था, हमारा हृदय वैसे शुद्ध नहीं है, तो हमें अच्छे ढंग से भी साधना करके जब धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा फिर मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है ये मुझे रिवील होगा। संबंध को एज्यूम नहीं करना पड़ता, मैं एज्यूम करता हूँ मैं कृष्ण का दोस्त हूँ, ऐसा नहीं है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे का बुनाए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जहाँ आप भक्ति की क्रियाओं को करते हैं, साधना अच्छी करते हैं, तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, मेरा स्वरूप है, वो छिपा हुआ है, वो ढका हुआ है, सो वी हैव टू अनकवर इट। जब हम क्लीन कर लेंगे हार्ट को, अनकवर हो जाएगा, फिर मुझे मालूम चलेगा मेरा क्या स्वरूप है, मेरा कृष्ण से क्या संबंध है। या तो ये जो भाव है ये हमारा जब भाव भक्ति की स्टेज में पहुंचेंगे तब क्लियर होगा,
अभी तक जो मेरा भाव है वो दास और स्वामी का है, कि आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो मैं दास बान के जो मुझे गुरुजन बताते हैं वैसी सेवा करता रहा। सो धीरे 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 जैसे जैसे मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा, मुझे मेरा भाव मालूम चल जाएगा, फिर मैं उस भाव में जब सेवा करूँगा कृष्ण जैसे प्रकट करेंगे। अभी किस भाव में करेंगे, एज अ सेवक मैं सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण एज अ स्वामी मैसा जैसे प्रकट करें। ठीक है, ओके। पीछे हाथ खड़ा किया था, जैसे माइक दे देंगे। अच्छा, यहाँ दीजिए। आपने यशोदा मैया से क्या सीखा, बेस्ट वेज ऑफ सर्विस? यशोदा मैया कौन कौन से प्रिंसिपल सिखाए हमें? एक प्लान होना चाहिए, वेरी गुड, पूरा अटेंशन टू डिटेल्स होना चाहिए, और अपना बेस्ट और बेस्ट प्रयास करें, और उसमें है कि अगर उसमें उस प्लान में डिस्टर्बेंस भी हो जाए, पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया था, एडहॉकिज्म हो गया था, उसके बाद भी यशोदा मैया मुस्कुराते हुए सेवा करती रहे। ओके, सो कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णाज मर्सी, अपना बेस्ट और बेस्ट प्रयास करें एंड ऑलवेज रिमेन डिपेंडेंट ऑन मर्सी। हाँ, प्लान तो जरूर बनाना चाहिए और प्लान के हिसाब से सेवा भी करनी चाहिए, नहीं कई बार प्लान चलेगा कई बार प्लान नहीं चलेगा, उसके लिए तैयार है। हाँ, मन से नहीं, अपनी बुद्धि से, बिकॉज आप भगवान के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं तो वरिष्ठ भक्तों से भी संपर्क कर सकते हैं, उनके हिसाब से अपनी बुद्धि से प्लान बनाइए, उनसे अप्रूव कराइए और चलिए, हो सकता है वो प्लान के हिसाब से सेवा हो पाए और ना भी हो पाए, तो उसमें भी घबराना नहीं है, राइट? ओके, पीछे था, पीछे दे दिया, हाथ खड़ा कीजिए, जो तो आकाशवाणी लग रही है। हाँ ठीक है, नहीं नहीं आपके अंदर ये गुण नहीं है, ये तो हमने ऐसे बताया है, लेकिन सावधान रहें कि ऐसे गलत क्वालिटीज़ हमारे अंदर ना आ जाएं। तो कैसे अच्छे सेवक बन सकते हैं ना, भक्तों का संग करके, अच्छे सेवकों का संग करके। जब हम भक्तों का संग करेंगे, उनका एग्जाम्पल देखेंगे, तो हम और उनके उनसे इंस्पिरेशन लेके हम भी अच्छे सेवक बने। सो ऑलवेज व्हेन एवर यू कम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वी गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, उसी इंस्पिरेशन से हमारी सेवा इंप्रूव होती जाए, राइट? ओके, यस, आगे बढ़ो। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। रूल्स को देने चाहिए कि अपने प्रेम भाव को, है ना, दोनों को, है ना, बड़े प्रेम से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि खाली रूल्स को करोगे तो बड़ा ड्राई लगेगा, है ना, और खाली प्रेम से करोगे तो आप दूसरों के लिए परेशानियां खड़ी कर दोगे। मेरा तो प्रेम है जी, मैं तो खाना को कभी भी जगा सकता हूँ, कभी भी सुला सकता हूँ, कभी भी भोग लगा सकता हूँ, तो सब परेशान हो जाएंगे। तो रूल्स मनमर्जी के नहीं हैं, रूल्स प्रभुपाद जी ने दिए हैं, तो प्रभुपाद जी ने जो रूल्स दिए हैं वो प्रेम से ही दिए हैं, तो प्रभुपाद से अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम से उन रूल्स को फॉलो करें। बट और कोई, यस यस, माइक आपके पास है, वेरी गुड। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर सच ए नाइस क्वेश्चन। और हम सबकी भी यही इच्छा होनी चाहिए, और कैसे इम्प्रूव करूँ, और कैसे इम्प्रूव करूँ, और ये सारी
लीलाओं को सुनने का उद्देश्य भी यही होना चाहिए, यशोदा मैं इतनी अच्छी सेवा करी, मैंने भी अच्छी सेवा कर दी है ना, ये हमारा लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, इसी ढंग से श्रवण कीर्तन से है ना, सुनेंगे तो हमें इंस्पिरेशन आएगी, और फिर हम अपने आचार्यों को देखेंगे उन्होंने कैसे सेवा की, प्रभुपाद जी ने कैसे सेवा की, भक्ति सिद्धांत शरण कुमार ने कैसे सेवा की, गुरु महाराज ने कैसे सेवा की, तो उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और फिर प्रार्थना करके हम अपनी लेजीनेस से ऊपर उठने का प्रयास करते रहें। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट एंडेवर, कॉन्स्टेंट एंडेवर। प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज नो लिमिट टू परफेक्शन, कभी ये नहीं सोचना चाहिए अब मैं परफेक्ट सर्वेंट हो गया हूँ, नो, लॉट टू इम्प्रूव, लॉट टू इम्प्रूव, हमेशा इम्प्रूव करते रहे, नो। सो इसी चेतना में रहेंगे, प्रेरणा लेते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहें। तो जैसे कार्तिक का महीना है तो इसमें मैं सोचूं कि मैं किस किस फील्ड में अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेट मी टेक सम बेबी स्टेप्स, कहाँ मैं अपनी साधना इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ मैं भक्तों को और अच्छे ढंग से सर्व कर सकता हूँ, कहाँ अपनी सेवा की क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लें, कहाँ मेरी कुछ बुरी आती हैं उसको मैं ख़त्म करूँगा। तो इस ढंग से हम वाउज लेकर, फेस्टिवल टाइम में वाउज लेकर हम अपनी सेवा को और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है बाबू, थैंक यू। यस यस बाबू, हाँ ये भाव होना चाहिए, लेकिन आप अच्छा, यशोदा मैं तो माखन बनाई थी, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, कहाँ कहाँ सेवा करते हैं आप, कहाँ रहते हैं? पंचकुला से यहाँ आते हैं? अच्छा, तो किससे जुड़े हुए हैं आप? किन से जुड़े हैं? ध्रुव प्रभु से, है ना, तो वो आपको बहुत सेवाएं देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, आपका नाम क्या है? करण। वेरी गुड, इनको अर्जुन बना दो। अर्जुन बनना है, वेरी नाइस। सो बहुत सेवाएं मिलेंगी प्रभु, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा ना, आप बोलोगे प्रभु बहुत सेवाएं, टाइम नहीं, बहुत सेवाएं, डोंट वरी, ऐसा ही हमें चाहिए ऐसे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और कोई? ओके, पीछे, हाँ यहाँ पे। थैंक यू हाँ, वेरी गुड। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, कभी कभी भक्ति में डाउन फील करते हैं? हाँ, सबके साथ है ना, वेरी गुड। तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, यू आर द राइट प्लेस। तो क्या होना चाहिए, जो बेस्ट तरीका है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, अपने हृदय में डाल दीजिए, वी शुड मोल्ड आवर लाइफ इन सच अ वे दैट वी ऑलवेज रिमेन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जीवन के हर क्षण में अपने जीवन को इस ढंग से डालें, कौन सी जॉब लूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या आगे कैरियर लूँ, ये पैरामीटर होना चाहिए कि मैं भक्तों के संग में रहूँ। क्या होगा भक्तों के संग में, अगर हम बाई चांस डाउन भी फील कर रहे हैं ना, मैं डाउन हूँ, मेरे साथ वाला अप फील कर रहा है, वो मुझे पकड़ लेगा। जैसे अभी हम नाचेंगे, कुछ लोग रात को सोए नहीं प्रॉपर, बड़े थके हुए हैं, परेशान हैं, पेपर ठीक नहीं हुआ ना, अपनी एंगजाइटी में हैं, वो नहीं नाच रहे होंगे, क्यों नाच रहे हैं सब यार, पागल हैं सब नाच रहे हैं, मैं परेशान हूँ। दूसरा भक्त आगे पकड़ लेगा, अरे आप कहाँ कर रहे हो, उसको नाचना शुरू कर देगा, होता है ना, फिर हम नाचना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जब हम डाउन होते हैं, कोई ना कोई अप जरूर होता है, वो हमें पकड़ लेता है, अगले दिन वो डाउन होगा, हम अप होंगे, हम उसको पकड़ लेंगे। तो इसीलिए हमेशा भक्तों के संग में रहो, दिस इज़ द मोस्ट सिक्योर प्लेस इन एंटायर क्रिएशन, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तभी होगा, राइट। तो, और कोई या पीछे थे, या पीछे पीछे पीछे, पीछे।
आप माइक ले लो तब तक। हाँ और हम एक साथ तो भागते हैं अपने इनर सेल्फ में उस क्वेश्चन का आंसर कृष्णा से राधा रानी से पूछने के लिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी, आज मैं जैसे ही कभी कभी भक्ति करता हूँ आज तो नियमित तरीके से एक घंटे में घंटे नहीं कर पाता हूँ कि डेली 5 मिनट निकाल लें 10 मिनट निकाल लें तब कभी इतना नहीं हो पाता, लेकिन कभी राधा रानी की या भगवान श्री कृष्ण की याद आती है तो उतनी ज्यादा याद आती है कि वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित कहाँ से हैं आप? वेरी नाइस। तो मोहित तो वेरी गुड, मोहित मतलब जो हमेशा प्रसन्न रहे हैं ना। ओके वेरी गुड। तो आप पे भगवान की विशेष कृपा है, तो भगवान आपको सिग्नल्स भेजते हैं। ओके सिग्नल्स इसलिए भेजते हैं, भगवान चाहते हैं कि आप भक्ति भक्तों के संग में करें। कोई अकेले घर में बैठ के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? नहीं, उसको एसोसिएशन चाहिए। तो भगवान जब बीच में आपके अंदर ऐसे भाव लाते हैं उसका उद्देश्य ये है कि जैसे आज आप आगे चलती बस से उतर गए, भक्तों के संग में आए। तो भक्ति को हमने भक्तों के संग में करना है, और आप चाहेंगे कि आपके अंदर हमेशा ये भाव रहे कि कभी कभी आए। हाँ तो अगर हमेशा हाँ कभी कभी आती है गुड, लेकिन आपका जो ग्राफ है ऊपर नीचे होता है ऐसे बहुत, हाँ तो उसको फ्लक्चुएशंस कम करनी है। तो फ्लक्चुएशंस कम करने के लिए आपको भी क्या आना पड़ेगा? भक्तों के संग में आना पड़ेगा। ओके बिकॉज भक्ति को नियमित ढंग से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने भक्ति मतलब आत्मा की खुराक है। ओके हमारी आत्मा की असली खुराक है, तो एक दिन आपने 10 चपाती खिला दी, एक दिन फास्टिंग कर ली, फिर ये तो ठीक नहीं चलेगा। आत्मा को डेली खुराक चाहिए। तो डेली क्या करना है आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ आइए प्लीज, आप रोपण में जानते हैं पूजा? हाँ प्रभु जी यहाँ पे रोपण में है, आप हाथ खड़े इनसे मिल लेना। सो ही विल गाइड यू वेरी नाइसली एंड यू विल बी ऑन अ राइट ट्रैक। आप हमेशा एक्सटेसी में रहेंगे। अरे थैंक यू। यस प्रभु माइक कहाँ गया आपका? दो माइक्स देना, रास्ते में पूछना किसी ने पूछ लेने अपने माइक आ रहे तो यहाँ आ जाए। ठीक है, जर्नी ऑफ माइक। क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लें कि हमेशा भाव में रहे, है ना? भाव का अभाव ना रहे। ये हमारा स्वभाव बन जाता है, भाव का अभाव हमारा स्वभाव बन जाता है। तो यस कैसे रहें? तो इसको रिचुअलिस्टिकली ना करें। कैसे करें? बार बार श्रवण करें, कीर्तन करें, उत्साही भक्तों का संग करें, वाउज लें। जैसे कार्तिक महीना इसीलिए है कि जो भक्ति में थोड़ा सा ढीलापन आ गया उसको रीजनरेट करें ना, रीजुवनेट। ओके रीडेडिकेट। तो बार बार करते रहना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो माइंड है ना बहुत नॉटी है। हमारे माइंड के अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटी है स्पिरिचुअल चीज़ों को मटेरियल बनाने की। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, होली नेम इज स्पिरिचुअल, प्रसादम इज स्पिरिचुअल, डीटीज आर स्पिरिचुअल, एसोसिएशन इज स्पिरिचुअल, शास्त्र आर स्पिरिचुअल। हमारा माइंड सबको मंडेन बना देता है, अनलिमिटेड प्रोसेसर है। जो डालो स्पिरिचुअल डालो मटेरियल बाहर आएगा। तो इस माइंड को टैकल करना सीखना है।
कैसे, इसी एसोसिएशन से कुछ वाउज लेकर कि अब मैं इसको अच्छा करूँगा, इसे कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, इसी स्ट्रगल करते 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 हम अपने अनर्थों से ऊपर उठते हैं। ओके, सो भक्ति में मेहनत है, इट्स नॉट ए टेक वॉक, इट्स ए हार्ड वर्क। लेकिन कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। कहीं ना कहीं बिना मेहनत के आप नहीं रह सकते। मटीरियल लाइफ तो जितनी मेहनत करोगे रिजल्ट जीरो है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में मेहनत करेंगे साथ साथ में रिजल्ट भी आते हैं। राइट, वी स्टॉप हियर। मोड ऑफ पैशन है कि डिटर्मिनेशन, गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अधिकांशतः हम मोड ऑफ पैशन में सेवा करते हैं, बड़े उत्साहित होकर, रिजल्ट नहीं मिलता तो बड़े हतोत्साहित हो जाते हैं ना, डिप्रेस हो जाते हैं, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती। यशोदा मैं अगर मोड ऑफ पैशन में होती ना तो परेशान हो जाती, कृष्ण को इतना पीटती इतना पीटती सारी मेरी प्लानिंग गड़बड़ कर दी तुमने, है ना। ऐसी होती है ना, आजकल माताओं को भी देखते हैं खूब बच्चों को मारती हैं कि सारा मेरा फ्रस्ट्रेशन वो निकालते हैं। नहीं, चलो मैंने फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई ना, ये डिटर्मिनेशन थे उनके अंदर। सो हाउ टू डू दैट, ओनली आंसर इज बाय इंक्रीजिंग अवर मोड ऑफ गुडनेस। ओके, तो मोड ऑफ गुडनेस कैसे बढ़ाएंगे, नित्यम भागवत सेवया, रोज हम भागवतम सुने, भागवतम पढ़ें, मंगल आरती करें, धीरे धीरे हम मोड ऑफ गुडनेस को बढ़ाएंगे, मोड ऑफ पैशन कम होता जाएगा। सो टेक टाइम, इट टेक्स टाइम, धैर्य टीचिंग हम यहाँ पे। या हरे कृष्ण मेरा भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसे एक अभी बोला था कि मैं कुछ सीखना चाहते हैं ऐसा कुछ, तो एक्चुअली मैंने एक साल पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, जैसे इनकी भक्ति वगैरह था, बट यूट्यूब पे किसी संत को सुनना शुरू किया था, उनके नाम मंत्री महाराज है, तो उनकी काफ़ी सारी वीडियो देखनी शुरू की थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, और फिर उन्होंने बोले कि राधाराम जुटना चाहिए इससे, वो भी चलना शुरू किया, वो चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया, कभी कभी बहुत अच्छा लगता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा फील होता था कि मैं बताऊँ, क्योंकि मैं अकेले था, जैसे मैं अकेले करता था सारा कुछ करके कुछ हो नहीं रहा था, फिर अब बहुत टाइम होने के बाद एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा दिमाग पर, तो फिर मैं यहाँ आया, सेकेंड टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे, एक टाइम पहले आया था जनवरी में जब हम इधर रुके आए थे, तो कुछ सुना था थोड़ा, सेकेंड टाइम आया हूँ, तो मैं बस ऐसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे पहले मैं राधा राधा नाम जपता था काफ़ी टाइम हो गया, तो उस टाइम मैं सोच सकती था जो कि राधा नाम भी अभी यही है और कुछ नहीं है, और अब जब मैं यहाँ आया तो ये जो मंत्र है हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोला, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा, बहुत ज़्यादा खुशी मिली, तो बस लग रहा थी ये जब जो पहले मैं जपता था। गुड गुड, देखिए आप क्या नाम है प्रभु, कार्तिक, कार्तिक मास में कार्तिक जी से भेंट होगी, क्या बात है, हरि ओम। कार्तिक प्रभु, ये सब कॉइंसिडेंस नहीं है, बाय चांस की बातें नहीं होती है ना, ये सब भगवान की योजनाएं होती हैं। मोदित प्रभु आए चलती बस से उतर के, आप आ गए यहाँ दूसरी बारी, कार्तिक मास में आ गए भक्तों के संग में। कार्तिक वेरी गुड, तो मैं जैसे बताया मैं उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ, किसी भी जीव के ऊपर जो सबसे बड़ी कृपा हो सकती है वो भक्तों का संग है ना, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है भक्तों का संग, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको भक्तों का संग मिल रहा है, अब इस संग से बाहर मत जाना, ये हमारा जीवन है। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें जो हरे है ये राधारानी का ही नाम है। ओके, तो हम युगल मंत्र जप करते हैं, ये युगल मंत्र है, हरे मतलब राधारानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, है ना, तो इस मंत्र में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधारानी हे कृष्ण मुझे अपना प्रेम दे, हम सबको प्रेम चाहिए ना, तो ये प्रार्थना हृदय से हम कर रहे हैं, हे राधा रानी हे कृष्ण मुझे अपना प्रेम दो, मुझे अपनी सेवा दो, तो ये जो हम हृदय से बोलेंगे और आप माला जप करेंगे नियमित रूप से, भक्तों के संग में कथा सुनेंगे, तो आपको और आपका आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा।
तो यहाँ आते रहिए, यहाँ भक्तों के संपर्क में रहिए। आप चंडीगढ़ में ही रहते हैं? पंचकुला। कोई बात नहीं, पंचकुला से भी भक्त हैं हमारे, तो उसके आप संपर्क में रहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अगली बार, ठीक है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे भक्तों ने बहुत मेहनत की है, ड्रामा तैयार है। पूछ लें प्रश्न, पूछ लेना आप, चलो ड्रामा कर लेते ना। ओके।